दोस्तों हम अभी भी छत पर आए हैं और आज एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, मतलब बैड न्यूज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी मुर्गी है। देखिए बच्चे कितने कम हैं इसके, भी 5 बच्चे हैं। आपको याद होगा हमारे इस मुर्गी के साथ 10 बच्चे थे। तो हुआ ये कि आज जब मैं ऊपर आया तो ये केज जो है ना, वैसे तो हम नॉर्मली ये ब्लॉक लगाते हैं ताकि ये गेट खुले नहीं, कल हमने ना ये लगा दिया था, ये फिर लगा के लॉक कर दिया था ना उसको हमने ऐसे। तो मुर्गी ने कहीं पेड़ वगैरह मारे तो ये गिर गया और चूहे सारे के सारे खुल गए। तो मैं जब सुबह तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार चूहे किधर गए, लेकिन काफ़ी टाइम मुझे लगा कि शायद बिल्ली खा गई हो सकता हो, चील चली गई, चील ले गई हो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि चूहे हमारे 4 जो है मरे पड़े थे। और वो कहाँ मरे थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये टब है, ये पानी से फुल था, ये पानी पीने आए और देखिए यार ये चारों ना पानी के अंदर डूब के मर गए। यार मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे 4 चूहे एक साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मर गए। यार ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और बहुत अजीब लगा, मेरा दिल भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। तो फिर अरुण ने कहा यार बता दे यार लोगों को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यार ये 4 चूहे हैं, ये देखिए इनको मुझे रखा है, अभी हम जाएंगे तो इनको दफना कर आ जाएंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, आप लोग बताएं आप लोग को अफसोस हो रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट में लाजिम बताएं। कबूतर थोड़ा कबूतर उड़ाते हैं, आरू उड़ाओ। आरू ज़्यादा नहीं उड़ाना, हवा तेज़ ऐसे नहीं, ये भी चला जा। यार अभी हमारे पास कबूतर है ही नहीं उड़ाने वाले, कुछ सही कबूतर जोड़ने वाले हो, क्योंकि जो जितने उड़ने वाले सारे भाग गए। ये बच्चा है अभी, सही नहीं उड़ पाता। और ये तो आपको पता है लकी कबूतर है, ये देखिए माशाल्लाह ये वाला तो अच्छा उड़ लेता है। वो तो लक्की कबूतर है, वो तो सही नहीं उड़ पाती, आपको पता है ये फैंसी कबूतर है। ये भी फैंसी है वैसे, लेकिन ये कि थोड़ा वो तो उड़ लेता है। और ये तो माशाल्लाह अच्छा कबूतर, ये फ्लाइंग वाला पिजन है ये, लेकिन ये बच्चा है अभी, ये छोटा है फिलहाल। आगे बता रहे पता नहीं किसी कली वली का बच्चा ही है अभी, मुझे इंशाल्लाह बड़ा हो इसको ज़रूर उड़ाएंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह ये अभी इन दोनों का पैर लग चुका है, ये दोनों फैंसी है। इन्होंने माशाल्लाह से भी वेस्टिंग मटेरियल भी स्टार्ट कर दिया बनाना अपना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे हमारे पास। आरू अभी पिजन को दाना खिला रहा है। यार ये हमारा लखो कबूतर है बेचारा, इसकी गर्दन ना बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, देखिए सही हो गया सही हो गया। यार ये वही पिजन है जो हम वो लालकेत मार्केट से लेकर आए थे, उन्होंने हमें धोखा दे दिया था। तो यार ये कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और ये वाली भी माली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। ये मुर्गी काफ़ी ज़्यादा डर गई है क्योंकि चील आ रही है, देखिए यार जब भी हम खोलते हैं रोज ही चील अटैक कर रही होती है, पता नहीं चील को क्या मसला है, इन्होंने हमारे सेटअप पे जान लिया। और ये बार बार ना आती है, देखिए मुर्गी इतनी घबराई हुई है, चूजे कहाँ गए मुर्गी कहाँ गई है, देखिए मुर्गी फुल अलर्ट हो गई है। मैं इनसे हटा देता हूँ ताकि ये मुर्गी बच्चे को अपने सेफली अंदर कर सके। जाओ 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 अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो यार, आ जाओ आ जाओ। यार हमारे चूजे जो ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये अपनी माँ से आगे आगे भागते हैं। तो मैंने आपको शायद बताया नहीं, हमारी जो ब्लैक मुर्गी के बच्चे थे ना, वो हमने दूसरी मुर्गी के साथ शिफ्ट कर दिए। हमारी एक और मुर्गी थी दूसरे घर में बैठी हुई थी अंडों पे, उसके साथ बच्चे निकले, तो हमने जो ब्लैक मुर्गी के बच्चे हैं उसके साथ उसी के साथ शिफ्ट कर दिए। अभी भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, उनके लिए फीड बनाते हैं रेडी करते, तो जब उनको हम फीड कराने जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा सारे के सारे चूहे। और यार आप लोग बताएं कमेंट में कि यार इस ग्रे मुर्गी में क्या करूँ, क्योंकि यार ये अंडा नहीं दे रही, मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा है इससे। तो नहीं दिया अंडा इसने, उम्मीद तो एक अंडा दे देगी, आरू बता रहे कुछ दिन में अंडा दे देगी, लेकिन अब ये अंडा कब देगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। आप सब दुआ करें कि जल्दी अंडा दे ताकि हम अच्छे से निकाल सकें। यार ये देखिए यार ये बेचारा कबूतर जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा लकवा हो गया। तो ये कबूतर पानी पीने के लिए जा रहे हैं, अभी इनके लिए पानी रखते हैं। आरू यार आप आइंदा इसमें टब में नहीं पानी भरेंगे, सही ना यार? तो यार कभी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, हो सकता है शायद अल्लाह ना करे फिर कभी खुल जाए गेट, या कोई गेट खोल के चूहे खुले छोड़ दे घर वाले, तो हो सकता है चूहे फिर इसके अंदर जाके मर जाए, तो इसीलिए एहतियातन ये टब नहीं भरेंगे। अगर भर भी देंगे तो अपनी मौजूदगी में उसको फेंक दिया करेंगे, छोड़ा नहीं करेंगे उसको हम। तो यार आज आप मौसम देख सकते हैं, आज क्या है सूरज ग्रहण है शाहरुख, तो आज सूरज ग्रहण है, सूरज छुपा है बिल्कुल, और आज बारिश होने का इम्कान भी है। माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज तो लग रहा नहीं है गर्मी का दिन है, सुबह गर्मी थी लेकिन शाम के टाइम अभी छाँव हो चुकी है, लग रहा है सही अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अभी 4 बजे का टाइम है। लेकिन देखिए माशाल्लाह मौसम चेक कर सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो आरू कह रहे कबूतर नहीं उड़ाते हम, बहुत तेज़ है तो नहीं उड़ाते कबूतर हम, फिर
क्योंकि ये कबूतर हवा से दूर गिर जाते हैं और फिर किसी और के सेटअप पर जाके बैठ जाएंगे, तो इसलिए हम इस कबूतर नहीं उड़ाएंगे अपने। और इंशाल्लाह ये अभी ईद के 4-5 दिन बचे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह हम अपने सेटअप की तैयारी करेंगे और आज या कल में अपने सेटअप की सफाई करेंगे। आप देख सकते हैं सेटअप कितना ज़्यादा गंदा हो गया हमारा, ये देखिए थोड़ी ज़्यादा कचरा हो गया है। और देखे तो यार हमारे जो नेस्टिंग मटेरियल डाला था, अंडा है नहीं, नहीं कोई अंडा नहीं है। तो यार अभी अपने बिजन को पानी वगैरह पिलाते हैं। ये कुछ किचन वेस्ट है जो मैं अपनी मुर्गियों के लेकर आया हूँ, खाई ये मुर्गियाँ। यार ये हैरत की बात है, आज ये मुर्गी जो है ये अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के इस तरफ आई हुई, पता नहीं क्या हो गया। आज ये बहुत ज़्यादा घबरा रही है, शायद चाँद के रंग सरस से या फिर हो सकता है चील वगैरह आ रहे हैं इसीलिए। लेकिन चूजे अपने मस्त पगन में खा रहे, देखिए माशाल्लाह से अपने पैर चला के चूजे अपने दाना चुग रहे हैं। लेकिन जो मुर्गी है वो देखिए वहीं पर खड़ी हुई है, कैसा हो सकती है। अभी प्लास्टिक देख सकते हैं कितनी तेज़ उड़ रही है, बहुत तेज़ चल रही है हवा। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हमारे होते ना पिजन, जो पुराने पिजन थे उड़ने वाले थे। अभी सारे पिजन बंद कर दिए हम लोगों ने, देखिए इस केज में 4 पिजन थे सिर्फ, ये तो बाकी पैर है पूरी, बाकी दो इनका पैर लगाना है हमें, इसका वो ब्राउन वाली फीमेल और ये ब्लैक वाले मेल है। अब इन दोनों का पैर भी लगाते हो सकते हैं, यहाँ से भी ब्रीडिंग मिल जाए। और ये बाकी जो है यहाँ पर है शाहरुख। यार आज ना हो सकता है बारिश हो, इसलिए ना हम पूरा कवर करके जाएंगे, ठीक है। तो यार आज हम ना पूरा कवर करके जाएंगे ये पिंजरा, वो तो वहाँ तो पानी नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला जो केज है उसको हम कवर कर देंगे पूरे। यहाँ पर पानी जाने का खतरा है और हवा देखिए बहुत तेज़ी आज और बारिश का भी खतरा है, तो इसलिए हम आज पूरा कवर करके जाएंगे। सर कवर कर दे यार सर। रेडी हो चुकी है, मैंने ज़्यादा बनाई है। अगर आपके पास चूज़े कम है तो आप कम बनाएं, तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे पास चूज़ों की तरह ज़्यादा है, 16 चूज़े, तो इसलिए मैंने के लिए ज़्यादा फीड बनाई है। आइए चूज़ों की तरह फीड।